और बारिश चल रहा है, ये जो सिचुएशन है ये और भी नाजुक कर सकती है। और अगर बात करें बिहार की, तो 4 से 5 दिनों में ही भारी बारिश के बाद वहाँ पर बाढ़ की आगई है, बेहद खराब हो गए हालात है यहाँ। अब तक 300 से ज्यादा जाती है 12 जिलों की 546 पंचायतों के 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। नेपाल और बिहार के इलाकों में भारी बारिश के कारण इस बार बाढ़ आई है। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 7 नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर हो रही है। बाढ़ में सबसे ज्यादा सीतामढ़ी जिला है जो प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ और एनडीआरएफ के 13 दल मिलकर कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और दरभंगा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हरियाणों से लेकर लोगों के घर सड़कें सब कुछ पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। 152 राहत शिविर खोले गए हैं, जिन्हें हजारों लोग शरण लेने के लिए मजबूर हैं। लोगों की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। कल मुख्यमंत्री ने कुछ इलाकों का हवाई सर्वे किया। आज मुख्यमंत्री विधानसभा में स्थिति से निपटने के उपायों की जानकारी देने जा रही है। दरभंगा